भारतीय किसान यूनियन बेदी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष को किया निष्कासित, जिसके लिए की विशेष प्रेस वार्ता। भारतीय किसान यूनियन बेदी ने यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के निर्देशानुसार बहेट रोड पर स्थित उमर पैलेस में एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन जिलानी को भारतीय किसान यूनियन बेदी से निष्कासित करने की घोषणा की। भारतीय किसान यूनियन बेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन जिलानी को उनके गलत गतिविधियों व जातिवाद फैलाते हुए भारतीय किसान यूनियन बेदी से निष्कासित किया जाता है। मोहम्मद हुसैन जिलानी ने ग्राम गन्ना में दो लड़कियों की शादी करने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की थी, तो उनके मना करने पर अब मैं यूनियन को बदनाम करने का काम कर रहा है। यदि भविष्य में मोहम्मद हुसैन जिलानी कुछ भी गलत कार्य करता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद मोहम्मद हुसैन जिलानी की होगी। इस अवसर पर राहुल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कारी नौशाद राव, मंडल अध्यक्ष कमाल नाशिर, जिलाध्यक्ष तोहिद अली, प्रदेश सचिव मोहम्मद रियाज राव नावेद, आशीष चौहान राव साहब, प्रदीप कुमार, शमीम अंसारी, शादाब मलिक, नसीब उर रहमान, कारी मुर्शलिन, गुलशेर मलिक अहमद, असलम मोहम्मद, असगर बब्बू राणा, बबलू राणा, आबिद फैशल कुरेशी, करण खरबंदार, रजनी विकास शर्मा, दीपक विकास शर्मा, आरिफ राव, सैफ अली, शाहरुख आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी की रिपोर्ट। जो आज हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राहुल बेदी जी ने ये प्रेस वार्ता रखी है, ये एक हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जिलानी साहब थे, आप भी बखूबी जानते हो, उनकी जो गतिविधियाँ चल रही थी, जैसे कि बिरादरीवाद, पक्षपात, ये चल रही थी, और हमारी यूनियन के बीच में, हमारे संगठन के बीच में एक ऐसा षड्यंत्र रचा रहे थे, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे से कारी नौशाद जी को हमारे साथ लड़ा दिया, राहुल शर्मा जी हमें राहुल शर्मा जी के साथ लड़ा दिया, इस तरह की गतिविधियाँ चल रही थी। और उन्होंने कल 1-2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय किसान यूनियन बेदी छोड़ रहा हूँ। अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल बेदी जी को सुन रहे थे आप, और देख रहे थे कि उन्होंने अपनी पूरी बात आपके सामने रखी कि हमने उन्हें अपने साथ मिलाकर मान सम्मान दिया। पहले वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, फिर उन्हें प्रदेश की कमान भी दी गई, लेकिन जिस शख्स के अंदर घुसपैठ करने की आदत हो, या जो यूनियन को अपने कमाई का स्रोत समझकर उसे इस्तेमाल करना चाहता हो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी जी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की जिन्होंने कोशिश की है, तो हम एक परिवार हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर का मान सम्मान रखते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो हम नहीं हैं, हम तो एक संगठन हैं, वो भी किसान और मजदूरों की आवाज़ बनकर उनके साथ काम करते हैं, उनके हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन 30 साल जो उन्होंने राजनीतिक अपना दौर गुजारा है, वही राजनीतिक स्टंट वो इस यूनियन के अंदर पैदा करना चाह रहे थे, लोगों से झूठे वादे कर और बातें बनाकर और अंदर घुसपैठ पदाधिकारियों में कर इस यूनियन को बदनाम करना चाहते थे। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन जिलानी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद हुसैन जिलानी, और उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि गुफरान मलिक, उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी गुफरान मलिक को कल सुबह 11 बजे 26/2/2021 में निकासित कर दिया था। उनकी कुछ गतिविधियां गलत चल रही थी, जो कि संगठन को दुखी कर रही थी, और बरादरीवाद वो ज़्यादा फैला रहे थे, और उनको खुद की बरादरी भी पसंद नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, जो उन्होंने भारतीय किसान यूनियन जिलानी का बनाने का ऐलान किया हुआ है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जब उनको खुद की बरादरी भी पसंद नहीं है, तो वो कौन सी नई दुनिया में जाकर यूनियन बनाएंगे, या कौन सी नई दुनिया से यूनियन के लोग लाएंगे? और वो जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मुझे 30 साल हो गए राजनीति करते हुए, तो मैं तो ये जानना चाहूँगा कि उनको 3 दिन की भी राजनीति नहीं आती, क्योंकि राजनीति हो, चाहे किसान संगठन हो या कोई सा भी संगठन हो, उसमें मोहब्बत देनी पड़ती है और मोहब्बत लेनी पड़ती है। सबसे पहले अपने मुँह का बोलने का तरीका हमें आना चाहिए, जो कि उनके अंदर बिल्कुल भी एक पैसे का नहीं है, जो आप पिछली वीडियो में भी हमारी देख सकते हैं, जो हमें परेशान कर रहा था, जिस पे हम समीक्षा बैठक कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, हमने 1 हफ्ते से उनको हटाने का निर्णय लिया हुआ था, और हमने नए प्रदेश अध्यक्ष अपने और राष्ट्रीय प्रवक्ता और बहुत सारी नियुक्तियां हैं, जो कि हम
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक या दो तारीख में हम आपको बता देंगे, ऐलान कर देंगे, करके नियुक्त करेंगे। और वो कल सुबह 11 बजे सुबह 9 बजे मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि राहुल जी अगर आप मुझे निकालते हैं यूनियन से तो आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से मत निकालना, मुझे लेटर बनाकर मेरे हाथों में दे देना, क्योंकि मेरी समाज में बेइज्जत हो जाएगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो पहले 30 साल उन्हें राजनीति करते हो गए, वो 30 बार ही हर पार्टियों से निकाले गए हैं भ्रष्टाचार की वजह से, फ्रॉड की वजह से। एक मुकदमा उनके ऊपर फ्रॉड का चल रहा है, जो कि प्रशासन ने उनकी बंदूक निरस्त कर दी गई है। जैसा कि सुनने में आ रहा है उन्होंने आरोप लगाए हैं कुछ आप, तो उसमें आप क्या कहना? तो ये तो आप समझदार हो और आप जानते हो जब किसी को निकाला जाता है और वो खुद पर खुद गलत है तो वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए दूसरों पर तो आरोप लगाएगा ही। बाकी आपके सब सामने हैं, आप पहले से ही हमारी हमें जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप सबको जानते हैं, आप समाज को जानते हैं। अगर हम गलत होंगे तो हमारी भी कार्रवाई होगी, अगर वो गलत है तो उनके ऊपर तो कार्रवाई पहले भी चल रही है और 6 बार जेल पहले भी जा चुके हैं। और रही जुड़ने जड़ाने की बात, वो पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। बाकी की बात आपको मेरे हमारे बीच में बबलू राणा जी आए हुए हैं, ये बताएंगे।